वो जो स्टोव था उसके लिए हम लोग लाए थे, मिट्टी तेल लाए थे, उसको इसमें बस हल्का सा छिड़क के उसमें आग क्या था, आलू चॉप था। सिर्फ आपके इंस्टॉल में सिर्फ बर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो क्या बनाए थे, क्या कुछ किए थे, उसके बारे में कुछ बताइए। इसमें हम लोग मंचूरियन बनाए थे और सोया चिल्ली और फिर क्या था, आलू चॉप था और जो बेसन बचा उसे पकौड़ी बनाए और जो क्या बोलते हैं उसको मैदा बचा उसे निमकी बनाए थे। साइंस का बैकग्राउंड हुआ, आपने कॉमर्स के वाणिज्य की चीज़ों को उठाया और बहुत बेहतर किया, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगा बना के। चलिए धन्यवाद। हमारे ये लगभग पांचवा छठा इंस्टॉल है और आप देख रहे हैं कि लगभग सारे इंस्टॉल खाली हो गए हैं। हम अपने अगले इंस्टॉल की तरफ चलते हैं। हमारे कुछ साइंस के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने क्या कुछ बनाया, कैसा रहा? लगभग इनका भी इंस्टॉल खाली हो चुका है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या बनाए थे और क्या कुछ किए थे आप लोग? हम लोगों ने पनीर मोमो, वेज मोमो, ब्रेड चॉप और चना और अभी चाय बनाया है। अभी आप लास्ट में चाय बनाए, तो बाकी ना पनीर मोमो यहाँ दिख रहा है ना ब्रेड चॉप, बाकी सबका स्टॉक खत्म 10 मिनट के अंदर सब खत्म। विद इन 10 मिनट इनके सारे दुकान खाली हो गए। आपने साइंस के बैकग्राउंड के साथ वाणिज्य की चीज़ों को उठाया और बहुत बेहतर किया, इसके बारे में कुछ बताइए। सर हम लोग का पहले बात तो हम लोग का जितने भी मेंबर्स था सबने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, इसलिए सब चीज़ टाइम पे बन पाया और हम लोग का जो गैस था वो भी ख़त्म हो गया था। फिर इन लोगों ने दिमाग लगाया, वहाँ पीछे आग वाग लगाया और फिर वहाँ पे फिर सारा पीछे कुछ आग लगे हैं, कैसे इन्होंने अपने गैस को मैनेज किया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, इनका गैस ख़त्म हो गया तो ये एक लकड़ी से चूल्हा बनाए हैं, इसके बारे में बताइए कि कैसे ये काम किया, कहाँ से लकड़ी लाए और कैसे मैनेज किए? यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारा लकड़ी है, इसको बस इकट्ठा किए और हम लोग वो जो स्टोव था उसके लिए हम लोग लाए थे, मिट्टी तेल लाए थे, उसको इसमें बस हल्का सा छिड़क के उसमें आग जला दी है। इससे पहले घर में कभी ऐसा हुआ था कि आपने इस तरह के चूल्हे बना के घर के कुछ चीज़ों को बनाया हो? हाँ सर ऐसा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि इससे पहले जो आपने इस पर काम किया था तो कैसे आपको लगा कि तीन पत्थर को इस तरह से कलेक्ट करेंगे फिर लकड़ी लगाएंगे तो कहाँ से हवा आएगा और यहाँ पर कौन सा साइंस लगा, इसके बारे में बताइए। न्यू ईयर के टाइम में जब गांव जाते थे तो वहाँ पिकनिक होता था तो वहीं से इंस्पायर हुए थे। ये एक नई चीज़ है, साइंस के बच्चे हैं, साइंस का दिमाग लगाएंगे और आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें होते रहेंगे। अनुभव पूछेंगे, कैसा अनुभव रहा आपको पूरा एंटायर? सर बहुत मज़ा आया, उसके बाद बहुत एक्साइटेड भी थे कि इतना हो पाएगा, पहले तो लगा नहीं था, लेकिन जब बहुत भीड़ बढ़ते गया, ज़्यादा मांग आते गया तो बहुत खुशी हुआ। सब कोई को भी बहुत मेहनत किया, तो सबके लिए भी थैंक यू सब जो भी मेहनत। कोई स्पेशल मैसेज अगर आप देना चाहोगे व्यूअर्स को? कुछ स्पेशल मैसेज तो नहीं है, लेकिन कुछ भी न्यू चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इनका कहना है कि नई चीज़ें होती रहनी चाहिए, नई चीज़ें ट्राई करते रहने चाहिए। इन्होंने जिस तरह से गैस के प्रॉब्लम को मैनेज किया, इनका इंस्टॉल खाली हो गया, सारी चीज़ें बिक गई, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा अनुभव रहा।